Hello friends. So friends, we are going to continue with goods and service tax. तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में. प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट. तो अभी तक हमने प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने प्लेस ऑफ सप्लाई उन गुड्स के बारे में डिस्कस किया, गुड्स अदर देन गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड. तो हमने प्लेस ऑफ सप्लाई में सेक्शन 10 में क्या बात की? सेक्शन 10. तो हमने प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10 में क्या बात की? हमने एक तो चीज की गुड्स के बारे में बात की. कौन सी गुड्स के बारे में बात की? हमने कहा वो गुड्स जो ना हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. क्लियर है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द गुड्स अदर देन दोज इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, एक चीज. तो हमने उसमें क्या पढ़ा? हमने उसमें पांच सिचुएशंस पढ़ी. कौन कौन सी पांच सिचुएशंस थी? फर्स्ट सिचुएशन वो कहता है एक्चुअल मूवमेंट है गुड्स की, वेयर देयर इज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन डिफाइंड प्लेस टू अनदर डिफाइंड प्लेस, राइट, अंडर एन एग्रीमेंट बिटवीन द सप्लायर एंड द रेसिपियंट, एंड द गुड्स मे बी मूव्ड आइदर बाय सप्लायर और बाय रेसिपियंट और बाय एनी अदर पर्सन On behalf of supplier or recipient. दूसरी चीज, फिर वो कहता है कि goods delivered on the directions of a third person. उस केस में place of supply क्या होगी? It is a deeming fiction, deeming section है. It is deemed that the third person has received the goods. तो place of supply क्या होगी? Location of that third person. क्लियर है? तो तीसरा केस क्या आया? नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स. नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स इसमें क्या पड़ा? ओवर द काउंटर सेल्स, राइट. आपके पास कोई आया, आपसे सामान ले गया, आपको नहीं पता वो सामान कहां पे जा रहा है कहां पे नहीं जा रहा. आपको नहीं पता कि वो सामान कहां पे जा रहा है या कहां पे नहीं जा रहा. ओवर द काउंटर सेल्स. इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या थी? द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. क्लियर है? उसके बाद आया हमारे पास चौथा केस. चौथा केस क्या आया? गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट. हमने गुड्स एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जाकर वहां पर इंस्टॉलेशन की या वहां पर असेंबल की. मैंने लिफ्ट की एग्जांपल दी थी कि दिल्ली से हमें पंजाब लेकर जानी है, पंजाब में लिफ्ट इंस्टॉल करनी है. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जहां पर उन गुड्स को असेंबल किया जा रहा है या जहां पर उन गुड्स को इंस्टॉल किया जा रहा है. क्लियर है? फिर हमने पढ़ा पांचवा और आखिरी केस. वो क्या था? गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, राइट. जैसे कि एयरक्राफ्ट की एग्जांपल ली. एरोप्लेन में आप जाते हो तो आपको टी कॉफी स्नैक्स प्रोवाइड होते हैं. तो वो जो टी कॉफी स्नैक्स हैं उनकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जहां से उनको एयरप्लेन में लोड किया गया, जौन सी लोकेशन से उनको एयरप्लेन में लोड किया गया वो लोकेशन होगी प्लेस ऑफ सप्लाई. तो ये तो हमने बात की थी प्लेस ऑफ सप्लाई उन गुड्स की विच आर नॉट इंपोर्टेड इन टू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, सेक्शन 10 की. ये क्या था? सेक्शन 10 था. अब एक सेक्शन आया, सेक्शन 11 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट. वो किस बारे में बात करता है? वो कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई. वो है प्लेस ऑफ सप्लाई का, अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ
इन केस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इन टू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, राइट. वो कहता है कि अगर कोई इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स को या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी. दिस इज गिवन इन सेक्शन 11 ऑफ द IGST एक्ट 2017. राइट, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इन टू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. अगर कोई गुड्स बाहर से लेके आ रहे हो या यहां से बाहर भेज रहे हो तो उस केस में हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई होगी, राइट. तो दिस इज गिवन इन सेक्शन 11 ऑफ द IGST एक्ट. अब इसमें फर्दर सेक्शंस आ गए, तो वो सबसे पहले बात करता है गुड्स इंपोर्टेड इन टू इंडिया की. गुड्स इंपोर्टेड इन टू इंडिया, राइट. दिस इज गिवन इन सेक्शन 11A ऑफ IGST एक्ट. वो कहता है कि अगर बाहर से कोई गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया में, सी उसमें उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगी. पहली चीज, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगी. लोकेशन ऑफ सप्लायर होगी आउटसाइड इंडिया, लेकिन इंडिया में तो क्योंकि है नहीं वो सप्लायर, तो ये क्या होगी, आउटसाइड इंडिया जहां से आप इंपोर्ट कर रहे हो, राइट. और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी. अब ये क्वेश्चन था कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी क्या होगी. वो कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, कि जिसने भी गुड्स इंपोर्ट किए उसकी जो भी लोकेशन है, उसकी जो भी लोकेशन है वो लोकेशन को हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई. क्लियर है. तो वो क्या कहता है कि अगर गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया में तो उस केस में हमारी जो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. अब क्वेश्चन आया कि ये जो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर है क्या ये भी कहीं पे डिफाइंड है. अगर हम बात करें इसकी लोकेशन ऑफ इंपोर्टर की, तो क्या ये भी कहीं पे डिफाइंड है एक्ट में. यस, जो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर है ये भी डिफाइंड है. अब हमने कुछ लेक्चर पहले लोकेशन ऑफ सप्लायर पढ़ा था. क्या आप लोग एक चीज बता सकते हो कि लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन से सेक्शन में दिया गया था. लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन से सेक्शन में दिया गया था. बहुत सिंपल है, अगर कुछ लेक्चर पहले हमने सुना हो तो हमने वहां पे पढ़ा था लोकेशन ऑफ सप्लायर. एज सच डेफिनेशन नहीं है वहां पे भी, एज सच लोकेशन ऑफ सप्लायर की नहीं है, लेकिन लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन दी हुई है वहां पर. तो वो कौन सा सेक्शन था जहां वो डेफिनेशन दी गई थी, जहां से हमने लोकेशन ऑफ सप्लायर की डेफिनेशन उठाई. तो ये था हमारे पास सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 ऑफ IGST एक्ट. क्लियर है. अगर नहीं याद आ रहा तो कुछ लेक्चर पहले जाओ जहां से हमने लोकेशन ऑफ सप्लायर पढ़ा था. क्लियर है. प्रोबेबली लेक्चर नंबर 12 था जहां पे हमने लोकेशन ऑफ सप्लायर की डेफिनेशन पढ़ी थी. उसमें हमने बताया था कि ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 ऑफ IGST एक्ट में क्या दिया हुआ है, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज दिया हुआ है. तो वहां से हमने उसकी डेफिनेशन उठाई. अब बात आई कि लोकेशन ऑफ इंपोर्टर कैसे आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि लोकेशन ऑफ इंपोर्टर जो है वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स. तो उन्होंने इसको भी डिफाइन किया. इसको कौन से सेक्शन में डिफाइन किया, इससे मिलता जुलता सेक्शन में डिफाइन किया जो था हमारे पास सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट. क्लियर. लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां दिया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 में. लोकेशन ऑफ इंपोर्टर कहां पे दिया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट. सप्लायर दिया 215 में.
क्लियर है? तो जी एक चीज क्लियर होगी कि लोकेशन ऑफ इंपोर्टर एक्ट में डिफाइंड है, कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में। और ये जो डेफिनेशन है दैट इज वेरी मच सिमिलर टू द डेफिनेशन ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर। अगर आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 और 15 पढ़ोगे ना तो उसमें कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा, बिल्कुल सेम है दोनों। बस वहां पे वर्ड यूज किया गया लोकेशन ऑफ सप्लायर, वहां पे वर्ड यूज किया गया लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। तो क्या है इसमें, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसी के साथ लोकेशन ऑफ सप्लायर की डेफिनेशन भी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है? जो हम कहते हैं लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, वो कहता है अब इसमें डिफरेंट केस हैं। अगर तो वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस से इंपोर्ट कर रहा है, अगर वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस से इंपोर्ट कर रहा है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई होगा यही रजिस्टर्ड ऑफिस, राइट? एक मिस्टर ए हैं जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में, राइट? इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक यूएसए से गुड्स इंपोर्ट किए, राइट? तो इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हुई? लोकेशन ऑफ सप्लायर तो हुई यूएसए। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ? वो कहता है कि अगर आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस से इंपोर्ट कर रहे हो तो ये जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली का, यही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। क्लियर पहला केस? लोकेशन ऑफ सप्लायर में भी हमने यही पढ़ा था कि अगर वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस से सप्लाई कर रहा है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस को हम लोकेशन ऑफ सप्लायर मानेंगे, राइट? लोकेशन ऑफ इंपोर्टर समझ में आ गया, पहला केस। दूसरा केस, दूसरा केस आ गया इफ द इंपोर्ट इज फ्रॉम एनी एस्टैब्लिशमेंट अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, एनी एस्टैब्लिशमेंट अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगी ये एस्टैब्लिशमेंट, राइट? एक मिस्टर ए हैं जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है? दिल्ली में है। उनका एक उनका एस्टैब्लिशमेंट है कहां पे? मुंबई में। एक उनका ऑफिस है मुंबई में, और इंपोर्ट कहां पर हुई? इंपोर्ट हुई यहां पर मुंबई पे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? कि दिस एस्टैब्लिशमेंट हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज मुंबई इन दिस केस, दैट इज एनी एस्टैब्लिशमेंट अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ मिस्टर ए, अगर वहां से इंपोर्ट हो रही है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है? अब आया तीसरा केस। तीसरे केस में वो कहता है इंपोर्ट इज फ्रॉम टू और मोर एस्टैब्लिशमेंट्स, टू और मोर एस्टैब्लिशमेंट्स। अब क्या करेंगे जी? अब मिस्टर ए है जिनका एक ऑफिस है दिल्ली में, ठीक है, इनका दूसरा ऑफिस है मुंबई में। अब इन्होंने जो इंपोर्ट किया यूएसए से वो यहां भी जा रहा है, दिल्ली भी जा रहा है और मुंबई भी जा रहा है, तो उस केस में वो कहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन द लोकेशन विच इज मोर डायरेक्टली रिलेटेड विद इंपोर्ट, मोर डायरेक्टली रिलेटेड विद इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। कौन सी लोकेशन ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड है इंपोर्ट के, दिल्ली या मुंबई? मेन लोकेशन क्या है, उस लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। क्लियर? तीन केस क्लियर है। अब आया चौथा केस। वो कहता है जी एनी अदर प्लेस,
एनी अदर प्लेस का मतलब क्या हुआ कि वो इम्पोर्ट कर रहा है किसी ऐसी जगह से जो ना तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ना उसकी कोई अदर इस्टेब्लिशमेंट है, वो किसी तीसरी जगह से इम्पोर्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? वो कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ इंपोर्टर। अगर वो किसी तीसरी जगह से इंपोर्ट कर रहा है, ना अपने रजिस्टर्ड ऑफिस से कर रहा है, ना अपनी एस्टेब्लिशमेंट से कर रहा है, वो किसी और ही तीसरी जगह से इंपोर्ट कर रहा है, तो कहते उस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई उस जगह को मानेंगे जहां पर उसका यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस है। किसका? इंपोर्टर का। और यही सिमिलर प्रोविजन हमने पढ़ी थी जब हमने लोकेशन ऑफ सप्लायर डिस्कस किया था, यही चार केस वहां पे पढ़े थे। वहां पे दो चीजें और पढ़ी थी, एक पढ़ी थी डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट जो कि हमने यहां पर कवर की, ये एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन, जाओ लेक्चर नंबर 12 में, वहां से समझ आएगा कि ये कौन सी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जहां हमने कहा था परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, सफिशिएंट ह्यूमन टेक्निकल सोर्सेज होने चाहिए। क्लियर? उसके बाद हमने वहां पर एक चीज और बात की थी, हमने कहा था यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या हुआ। अगर हमने कहा इंडिविजुअल है तो उस केस में जहां पर वो नॉर्मली रिजाइड करता है, अगर मिस्टर ए हैं वो ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली उनका क्या हुआ? यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस। वो कहते हैं कि अगर इंडिविजुअल नहीं है इन अदर केसेस तो क्या होगा? जहां पर भी वो एंटिटी रजिस्टर्ड है या लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है तो उस प्लेस को हम मान लेंगे यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ये सब हमने डिस्कस किया था डिटेल में लेक्चर नंबर 12 में, तो अगर कोई भी डाउट है लेक्चर नंबर 12 इससे पहले सुन लेना। क्लियर है? तो उसने बड़ा क्लियरली कह दिया कि अगर हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करेंगे तो उस केस में हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, और लोकेशन ऑफ इंपोर्टर को उसने डिफाइन किया सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट में। क्लियर है? तो ये जो हमारी, अब यहां पर क्या हो रहा है, अगर देखिए लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? लोकेशन ऑफ इंपोर्टर दैट इज विद इन इंडिया। तो ये क्या हुई हमारी? इंटरस्टेट सप्लाई हो गई, इंटरस्टेट सप्लाई हो गई। अगर इंटरस्टेट सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें भी क्लियरली इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो एक चीज इसमें श्योर हो गई कि जब भी हम इंपोर्ट की बात करेंगे, जब भी हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करेंगे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ऑलवेज एन इंटरस्टेट सप्लाई, क्योंकि लोकेशन ऑफ जो सप्लायर है वो तो हमेशा बाहर है और प्लेस ऑफ जो सप्लाई है वो हमेशा इंडिया में है, तो ऑब्वियसली वो इंट्रास्टेट तो किसी एंगल से भी नहीं बनती, वो हमेशा क्या रहेगी? इंटरस्टेट सप्लाई रहेगी। क्लियर? तो ये था हमारे पास सेक्शन 11A ऑफ IGST एक्ट, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। अब एक दूसरा सेक्शन आया, दूसरा सेक्शन हमारे पास क्या आया? वो कहता है जी गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, ये कहां दिया गया? ये दिया गया सेक्शन 11B ऑफ IGST एक्ट। तो उन्होंने बेसिकली किया क्या है, सेक्शन 11 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इंपोर्ट को दिया सेक्शन 11A और एक्सपोर्ट को दिया सेक्शन 11B। क्लियर है? अब उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स को, कहां? USA, दैट इज आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में वो कहता है लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हुई? लोकेशन ऑफ सप्लायर तो हो गई इंडिया जी,
जहाँ से वो गुड्स शुरू हो रहे हैं। अब वो कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुई हमारी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुई, क्या वो लोकेशन ऑफ एक्सपोर्टर हुई, क्या जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो लोकेशन ऑफ एक्सपोर्टर हम कहेंगे, क्योंकि हम कहेंगे जी जो बाहर है हमें, हमें क्या पता बाहर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो हम उसको कैसे करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो आप कहोगे हम तो जी लोकेशन ऑफ एक्सपोर्टर ही मान लेंगे कि वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। एक्ट कहता है जी नहीं, एक्ट कहता है इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगी आउटसाइड इंडिया। क्लियर है? लॉ कहता है कि इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर तो इंडिया है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो आउटसाइड इंडिया है। और अगर एक चीज इंडिया में है दूसरी चीज इंडिया से बाहर है, क्या उसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई मान सकते हैं? जी नहीं। तो क्या हुई, दो अलग अलग जगह पर सप्लाई हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई हो रही है, तो इसको हम किस में मानेंगे? इसको हम हमेशा मानेंगे इंटर स्टेट सप्लाई, इसको हमेशा क्या मानेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। ये दिया गया सेक्शन 11 बी ऑफ आईजीएसटी एक्ट में। तो एक चीज इन दो सेक्शन से क्लियर होगी कि चाहे आप बात करो इंपोर्ट की, चाहे आप बात करो एक्सपोर्ट की, दोनों ही केसेस में क्या है, दोनों ही केसेस में हमारी जो है इंटर स्टेट सप्लाई है। तो इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि ये आईजीएसटी लगाएगा कौन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में, ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कमिंग चैप्टर्स में। क्लियर? कि आईजीएसटी कौन लगाएगा, कैसे पे करेगा, उसका रिफंड कैसे मिलेगा, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये समझना है कि अगर कोई भी इंपोर्ट है या कोई भी एक्सपोर्ट है वो हमारी इंटर स्टेट सप्लाई है और उसके ऊपर क्या लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे। क्लियर? और ये दिया कहां गया है, सेक्शन 11 में। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये था हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अब इसका दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसको हल्का सा टच कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, बाकी आप लोग इंटर स्टेट सप्लाई से भी समझ गए होंगे क्या है, लेकिन फिर भी एज पर लॉ इसकी क्या डेफिनेशन है हम वो समझेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई की एज पर लॉ क्या डिफाइंड है, उसमें क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या एक्सप्लेनेशंस हैं, तो वो सारा कुछ समझना बहुत जरूरी है इंटर स्टेट सप्लाई के केस में। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई, राइट? सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट सेंड मी एन ईमेल एट ksjteaching@gmail.com, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।